hello everyone welcome to quantifiers uh, students today i have taken a very good question based on the concept of arithmetic mean and geometric mean uh, before i move on to the question let me tell you that if you want to receive important notifications on a whatsapp related to different colleges and different exams then please fill the form given below in the description other important links uh, related to our facebook group telegram group and whatsapp group is also there in the description okay now students i would request everyone to please pause the video and give this question a try okay i hope all of you have tried it now so students are uh, the question says we have to find the minimum value of this expression it is also given that x is positive now i hope all of you are aware of uh, basics of quadratic equation right uh, just look at the numerator a num this numerator is a quadratic equation and i hope you can easily figure out that it can be factorized because what is 18 18 is 6 into 3 एंड नाइन इज सिक्स प्लस थ्री तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि न्यूमिनेटर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं विच कैन बी रिटर्निनेटर इज एक्स प्लस अब स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें एक्स प्लस थ्री इज वन मोर देन दिनोमिनेटर सिमिलरली एक्स प्लस सिक्स इट इज फोर मोर देन दिनोमिनेटर सो वट आई एम डूइंग इज आई एम एज्यूमिंग डिनोमिनेटर

whole divided by t, and where one very important thing to notice here is that students x is positive, and if x is positive, t ki value humne kya assume kari hai humne t ko assume kiya x plus two, so definitely t will also be positive, right? क्योंकि okay, x तो already positive है, और उसमें अगर हमने two add कर दिया है, तो अब जो value आएगी, वो भी positive होगी अपने आप में, so t is also positive here. Uh, now uh, सिंप्लीफाई दिस न्यूमरेटर पार्ट अगर इस न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे इंडिविजुअली so we'll इसको भी टी सी डिवाइड कर दिया इसको भी टी सी डिवाइड कर दिया इसको भी टी से डिवाइड कर दिया सो इन दैट के साइल बी गेटिंग टी प्लस फाइव फोर बाई टी नाउ स्टूडेंट्सेंट हिट अल्टीमेटली मुझे क्या करना है इसको मिनिमाइज करना है बिकॉज फाइव इज एनी कॉन्स्टेंट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज नाउ स्टूडेंट्स टू मिनिमाइज लेटमी राइट इट हेयर टू मिनिमाइज t plus 4 by t and we also know that t is anyway positive. Now there are a couple of methods to minimize this expression. See one way of doing it is you can apply arithmetic mean greater than equal to geometric mean. So here I have two terms now t and 4 by t and now if I apply this concept that arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा दैट वुड बी टी प्लस फोर बाई टी होल डिवाइडेड बाई टू राइट एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई होप सबको पता है ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं सो सो देयर आर टू टर्म्स टेक प्रोडक्ट एंड देन स्क्र रूट सो स्क्र रूट में वील टेक द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स सो दी इन टू फोर बाई टी फ्रॉम हेयर विल गेट टी प्लस फोर बाई टी

अगर t प्लस फोर बाई टी को हम नोटिस करें कहने से इनका जो प्रोडक्ट है इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि अगर मैं t और फोर बाई टी को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिलेगी सो आई कैन से दैट देर आर टू टर्म्स लेट से दिस इज एंड लेट से दिस इज बी आई नो दैट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू फोर राइट right? क्योंकि मैंने टी को ए मान लिया और फोर बाय टी को मैंने बी मान लिया तो मुझे पता है कि ए इंटू बी की जो वैल्यू वो तो डेफिनेटली कांस्टेंट है क्योंकि अगर मैं A और B को और को मल्टीप्लाई करूंगा आई बी गेटिंग दैट वैल्यू इक्वल टू मुझे क्या करना है मुझे ए प्लस बी को मिनिमाइज करना है राइट right? मुझे ए प्लस बी को मिनिमाइज करना है और आप लोगों को याद होगा ये चीजें हमने क्लासेज में भी करी है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है और उनका सम हमें निकालना है मिनिमम तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी जब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होंगे राइट right? अगर प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है और उसका मिनिमम सम निकालना है तो वो कब आएगा जब दोनों वैल्यूज बराबर होंगी तो फोर कब आएगा फोर तो तभी आएगा ना अगर दोनों बराबर होंगे दैट मींस बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू टू तो मतलब ए का वैल्यू भी टू होना चाहिए और बी का वैल्यू भी टू होना चाहिए सो दैट दीन्स ए इज ऑल्सो टू बी इज ऑल्सो टू सो टू प्लस टू आंसर विल बी फोर दैट मीन मिनिमम वैल्यू टी प्लस फोर बाई टी विल इक्वल टू फोर तो फाइनली हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी तो so t प्लस फोर बाई टी हमारा फोर आ गया फोर प्लस फाइव नाइन इज दाइनल आंसर Okay, students, so I have told you both the methods. It is not necessary you have to apply AMGM here, right? But even if you apply AMGM, that is also perfectly fine. I hope everyone has understood it. Thank you, everyone.